जे दिने दिने सप्लाई दी जाए खेतीबाड़ी के सैक्टर तो वोद स्पार्किंग होकर कणकों अग लगन का डर रहा है, जिदी वजह करके जोड़े शड्यूल्ड कट्स ने वो एग्रीकल्चर और रूरल सैक्टर के जरूर लगते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जोड़े जोड़े शरारती अंसर ने वो प्रोएक्टिव हो गए हैं, कितने ना कितने ना कोई कोझी साजिश विरोधियों वालों चली जा रही है, यदा भी खुलासा जो आने वाले समय के जल्दी होएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चोणों के प्रचार दौरान पंजाब के लोगों नूं अपनी सरकार बनन तो बाद पंजाब दे विच पेश आ रही बिजली की किल्लत नूं खत्म करन ते उन्हां नूं सस्ती बिजली मुहैया करवाउण दा वादा किया गया सी, पर हुण पंजाब दे विच लोगों नूं बिजली के लंबे लंबे कट्टां दा सामना भी करना पै रहा है। लोगों नूं पेश आ रही मुश्किलों संबंधी लुधियाणा पहुंचे हलका सुनाम तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने इस संबंधी गलबात करते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय तो ही पंजाब दे विच कोले दी बहुत ज़्यादा कमी हो गई सी, जिस दी वजह दे नाल पंजाब दे विच बिजली दे लंबे लंबे कट लगाउणे पै रहे ने। इस तों इलावा खेतों दे विच कणक दी फसल पक के तैयार हो चुकी है, जेकर दिन दे विच पेंडू इलाके विच बिजली दित्ती जाएगी तां बिजली दा स्पार्क होण दे नाल कोई वड्डा हादसा होण दा डर हमेशा बनिया रहिंदा है। उन्हां कहा कि पंजाब दे लोकां नूं बिजली संबंधी आ रही मुश्किलों नूं पंजाब सरकार दे वल्लों बहुत जल्दी हल कर दिता जाएगा। नहीं देखो इस तरह की है जी, सरकार बनी नूं थोड़े दिन होए ने, ये ठीक है कि यह जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि कट्स लग रहे हैं है जी सिस्टम नूं, क्योंकि पहला दिया समय दिया सरकारां जिहड़ियां वो इन्ना क एब्रप्ट सिस्टम छड्ड के गईयां ने कि जे आपां कोल दी गल कर लईए तां कोल दी जिहड़ी शॉर्टेज है जिहड़ी कि अज तों तकरीबन 6 महीने पहलां भी पता सीगा पिछली सरकार नूं कि कोल दी लोड़ पैणी है, वह भी उहदा जिहड़ा इंतजाम जिहड़ा नहीं करके गए हैगे। जिहड़े कट्स ने यह आने वाले दिनों देखोगे तुसीं कि सारे एलिमिनेट होंगे और प्रॉपर वधिया पावर सप्लाई 24/7 है वो मिलेगी। हाँ जिहड़ा रूरल सैक्टर दे विच इन्हां समय दे विच कट्स वो जरूर लगते हैं, वो इस करके लगते हैं क्योंकि जे दिने दिने सप्लाई दी जाए खेतीबाड़ी के सैक्टर तो वोद स्पार्किंग होकर कणकों अग लगन का डर रहा है, जिदी वजह करके जिहड़े शड्यूल्ड कट्स ने वो एग्रीकल्चर और रूरल सैक्टर के जरूर लगते हैं। इस तो इलावा उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था को लैके विरोधियों वालों चुके जा रहे सवालों बारे बोलते हुए कहा कि उन्होंने सरकार वालों सूबे की कानून व्यवस्था को ठीक करने लई कुछ दिन पहला एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने वड्डा इल्जाम लगाया कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद एकदम शरारती अंसर सरगर्म हो गए ने, जिस पिछे विरोधी ताकतों की बहुत वड्डी साजिश होने का खदशा पाया जा रहा है, जिन्हां ते बहुत जल्दी पंजाब सरकार दे वल्लों काबू कर लिया जाएगा। ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 23 ਦਿਨ ਹੋਏ ਔਰ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 23 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। देखो मैं गल के नाल सहमत हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की सरकार ये उपर बड़ी संजीद है, तो उन्होंने स्पैशल टास्क फोर्स है जी वो इसे काम वास्ते थोड़े दिन पहले बनाई है। सवाल तो हुण ये खड़ा हुंदा कि लॉ एंड ऑर्डर इहोजा की होया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही जिहड़े जिहड़े शरारती अंसर ने वो प्रोएक्टिव हो गए ने, कितने ना कितने ना कोई कोझी साजिश विरोधियों वालों चली जा रही है, यदा भी खुलासा जो आने वाले समय के जल्दी होएगा। देखो डेफिनेटली तुसीं जिहड़े मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पोलिटिकल, पर मैं ये कह रहा कि इन्ने एक्टिव उन्होंने होने का परपस की है, सो इस करके ये बारे और यदि संजीदगी तुसीं ये देखो कि सरकार ने भगवंत मान जी ने एंटी जी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जी वो बना दी है। पंजाब के मौजूदा हालातों लैके आप विधायक ने सूबे की कानून स्थिति जल्दी ठीक करने के दावे तो अलावा पंजाब के लोगों को पेश आ रही होर मुश्किलों जल्दी हल कर दावा भी किया गया है। हुण देखना होगा कि उन्होंने वालों किए गए दावे सरकार वालों कदों तक आखिर पूरे किए जाते हैं। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह की रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।